हेलो गाइस, स्वागत है आपका मारियो फ्यूचर फाइट की एक और वीडियो में। और ये डे फाइव है अपनी अलायंस बैटल सीरीज का, ठीक है। तो आज राउंड फाइव की बाजी है बिल्कुल। और आज जो डे है वो है ब्लास्ट मेल डे और ह्यूमन फीमेल डे। अब आज की प्रॉब्लम ये कि मेरे पास ब्लास्ट बहुत सारे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास मफिस्टो है, मेरे पास ये करेक्टर है जो कि है प्रोफेसर रेक्स, फिर मेरे पास ये भी है जो कि है मैग्नेटो। मैग्नेटो को मैंने टीयर फोर किया था लेजेंड के लिए, तो वो उसके अलावा मेरे पास ये भी है डॉक्टर स्ट्रेंज। तो आप देख सकते हैं कई वो हैं फ्लास्क है, और मुझे नहीं पता कि किससे कितने स्कोर होते हैं। तो फटाफट से मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड के अंदर दिखाता हूँ कि कौन सा सबसे बेस्ट है। मुझे खुद भी नहीं पता कौन सा बेस्ट है, चलिए। तो मैं अलायंस बैटल खेलता नहीं हूँ, तो मैं ऐसी सीरीज बना रहा हूँ। चलो फटाफट से हम फटाफट करेंगे, या आप फास्ट फॉरवर्ड में देखिए और देखते हैं कितना स्कोर ये बना सकते हैं। गाइस, तो हमारी पहली अलायंस बैटल खत्म कंप्लीट हो गई है। हमने 9 मिलियन कमाए, विच इज़ नॉट बैड। तो मफिस्टो के हिसाब से 9 मिलियन काफ़ी अच्छा है। चलो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड की। ओ ये तो मैं कहाँ पहुँच गया, तो वो तो फिर आपको पता ही है उसमें क्या होगा, ठीक है। अब दूसरा सुपर विलेन है वो है ये, ठीक है। पर इस पर तो थम्स अप का साइन नहीं आ रहा है, और आज हमें साइलेंस चाहिए, तो उसको टीयर फोर को हमें साइलेंस देना पड़ेगा। स्किल्स में जाएंगे, हमने उसे लॉक भी दे रखा है। ये तो ये फुल पावर नहीं दे रहा है, इसे फुल पावर वाला कौन है, लॉकी है बस। और लॉकी इसे साइलेंस नहीं देता, स्नेयर और पैरालाइज देता है, ठीक है। और कौन ये अच्छी पावर दे रहा है, और इसके पास साइलेंस नहीं है। और कौन पावर दे रहा है इसको, फुल पावर ये दे रही है, और इसके पास फ्रैक्चर है, बर्न है, इनकैपेसिटेशन है, और पैरालाइसिस है, साइलेंस ही नहीं है इसके पास। कैसे दिन आ गया भाई ये अब तेरे पास साइलेंस होगा। हाँ, इसके पास साइलेंस है, और ठीक ठाक ये स्किल्स भी दे रहा है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, और अब हमारे पास साइलेंस है, ठीक है। अच्छी खासी वो है, और बेसिक अटैक इंक्रीज 45%, मुझे लगता है इससे अलावा और कुछ है। 50% इंक्रीज ऑफ एनर्जी अटैक, ओह ये काफ़ी अच्छा है। देखो ऑल बेसिक अटैक से अच्छा है कि हम यही रखें, इंक्रीज अटैक रखें, है ना। 40% काफ़ी अच्छा है, ठीक है, तो हम इसी को रखेंगे। उसके अलावा हमारे पास सपोर्ट कौन सा है, बाकी हमारे पास सपोर्ट तो ये है जो कि हीरोज़ के लिए लगता है, ये दोनों सपोर्ट तो थे खास भी नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं इस वाले से, और देखते हैं कि क्या कुछ कर पाएगा हमारा मैग्नेटो, क्या 9 मिलियन से ऊपर कमा पाएगा हमारा मैग्नेटो। कि हम मैग्नेटो से कर रहे हैं, और मैग्नेटो को हमने साइलेंस दे दिया था टीयर फोर के द्वारा, टॉप फोर के द्वारा। उसके अलावा इसको फास्ट फॉरवर्ड के अंदर आप करना चाहते हैं, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं भी पहली बार ही मैग्नेटो से खेल रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता करते खेलना। जैसे कोई क्रिकेट रेट वाला है, क्रिकेट छोटा सा रेट देना कोई कॉप वाला है, इस पर काम चल रहा है। बाकी तो काफ़ी ठीक है, हाँ ठीक है, मुझे ठीक ही लग रहा है, लेकिन इसको इतना पढ़ नहीं है जितना सूटर है, इतना पढ़ नहीं है, पता नहीं देखते हैं चलते हो। तो वो मुझे डी एल सी सुनने का ओके, अब तेरा काम करिए शीट, मुझे लगा नहीं लगी शीट काम करिए। 2 मिनट के अंदर 3 लाख कमाए, सॉरी 3 लाख नहीं है, 1 लाख ज़्यादा कमा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैग्नेटो टीयर फोर मुझे बावजूद भी इतना बेटर है जितना कि मैं किसको, और आप सभी के पास सी टी पी ऑफ जजमेंट है,
इसके पास को ताकि के अलावा हाँ ठीक है, टिकट तो स्कोर कर लिया है, कोई 9 मिलियन इसका भी रहेगा, मुझे ये लग रहा है। पर हाँ ये बात अभी माननी पड़ेगी कि मैंने स्कोर किया नहीं है, ठीक है ना, फिर नहीं देने बता देगी एक बात सी टी नहीं है ये बात। इसके बाद ये इतना अच्छा स्कोर कर रहा है विच इज़ क्वाइट गुड इन माइंड। आपकी मर्जी है इसके अलावा हाँ टीएफिल में चला हूँ टीएफ क्योंकि 30 सेकंड पे शील्ड वाला फिर से एरिया और ये आ गया, ये शील्ड बना दी, ये दी गई है बाकी इतना दो ये इतना दो ये चला दो ओके। अगर मेरे पास सी टी पी भी उसमें था तो भी आप देख सकते हैं कि हाँ मैं भी 9 मिलियन ही कर पाता जितना कि मफिस्टो ने किया, कोई खास तो मैं नहीं कर पाता, हाँ मैं 9 मिलियन तक ही कर पाता, आई एम प्रीटी श्योर हाँ 9 मिलियन ही कर पाते हैं अपन सी टी पी के साथ भी। तो टीयर 4 मैग्नेटो भी कुछ खास नहीं कर पाया, ठीक है अगला चलते हैं। अब अगले की चांस फटाफट करेंगे, इसके बाद आता है ये, ठीक है ये इसके साथ तो हम अपना सपोर्ट रख सकते हैं क्योंकि एक सुपर हीरो है तो सपोर्ट ये ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा अच्छा वो नहीं है, सिर्फ 20% जबकि आपको 50% ऑल अटैक इंक्रीज देता है। तो हम इसका सपोर्ट छोड़ के इसका सपोर्ट पे रखेंगे और बाकी इसका सपोर्ट लेंगे और लेट्स सी कि क्या 72 लेवल का यूनिफॉर्म वाला प्रोफेसर एक्स कुछ खास कर पाता है कि नहीं। प्रोफेसर एक्स आर यू रेडी 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 बोली नहीं है शुरुआत ये तो हमने लग रहा है बहुत है ओके अच्छी बात है स्किल चलाई है हमने ठीक है। कौन सी स्किल जानी फिर स्किल जानी है साइलेंस के लिए हमने काफ़ी अच्छा ये फिर थर्ड स्केल स्केल ठीक है। तो लगभग सारा टाइम नहीं निकला आता टाइम पर मैं स्कोर अच्छा करूँ मैं ये जो देख रहा हूँ फर्स्ट स्केल अभी नहीं चलाऊँगा क्योंकि जल्दी वो वाला टाइम आने वाला है जिसमें शील्ड तोड़नी है ठीक है। तो फटाफट से थर्ड स्किल शील्ड आगे फिफ्थ स्किल फर्स्ट स्किल क्या देख सकते हैं स्पोर्ट को मैं लगभग ठीक कर रहा हूँ इतना खास अभी नहीं है कि एक फिफ्थ स्किल चला सकता हूँ फिफ्थ में, लेकिन अभी फिफ्थ स्किल नहीं चला पाऊंगा। टीयर थ्री स्किल क्या हुआ सॉरी सेकंड स्किल चला फिफ्थ स्किल चलो कोई बात नहीं सेकंड स्किल थर्ड स्किल फिफ्थ स्किल एंड फोर्थ ठीक है। फिर से टीयर थ्री सेकंड स्किल थर्ड स्किल फिफ्थ स्किल फोर्थ स्किल और विथ वेरी ग्रेट सपोर्ट स्टिल अगर ये टीयर फोर होता तो कुछ कर पाता था इसके साथ आई डोंट थिंक खास कर पाया ठीक है। सेम उतना इसको जितना टीयर 4 मैग्नेटो करा था उतना ही हमारे टीयर 3 लेवल 72 ये प्रोफेसर एक्स ने करा सेम डिटो स्कोर विदाउट सी टी पी एज यूजल पर सपोर्ट उसके पास अच्छा था तो यही है। और अब लास्ट जो बचता है वो बचती है हमारा ये दिस गाय ठीक है। इसके साथ सपोर्ट हम इसको ही रखेंगे। अब यहाँ पे तो है सिर्फ 30% इंक्रीज अटैक जबकि यहाँ पे 50% एनर्जी अटैक देगा क्योंकि ज़्यादा अच्छा है। तो लेट्स सी इसके पास तो हमने शायद रेस दे रखा है इसको तो हाँ रेस दे रखा है। अब देखते हैं मफिस्टो की डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों टीयर 3 हैं और एक प्रॉब्लम है डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज तो साइलेंस ही नहीं कर सकता तो गड़बड़ हो गई साइलेंस कौन करेगा ओ साइलेंस करने वाला तो कोई भी नहीं है शिट यानी डॉक्टर स्ट्रेंज को टीयर 4 करना पड़ेगा क्योंकि साइलेंस करने वाला कोई करेक्टर ही नहीं है। सपोर्ट में कोई करेक्टर साइलेंस कर सकता है
आप एक भी कैरेक्टर के पास साइलेंस नहीं है सपोर्ट। तो साइलेंस डे के दिन डॉक्टर स्ट्रेंज तो सॉरी टीयरफॉल करना इसका जरूरी है, बाकी कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसी के साथ देख सकते हैं कि मेफिस्टो के अलावा कोई भी इतना बैटल नहीं कर पाया जितना कि हमने सोच रखा। सो मेफिस्टो ही बेस्ट निकला 9 मिलियन के साथ में। टीयर 4 प्रोफेसर एक्स ठीक कर सकता है मुझे एक तो ऐसा लगता है, और टीयर 4 डॉक्टर स्ट्रेंज भी अच्छा करेगा मुझे ऐसा लगता है। प्रोफेसर एक्स तो बिना टीयर 4 के भी अच्छा कर गया, असल सिटी पे चाहिए। प्रोफेसर एक्स क्या सॉरी टीयर 4 प्रोफेसर एक्स तो वैसे भी अच्छा कर जाएगा, उसे बस सिटी पे चाहिए। और डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज को टीयर 4 चाहिए क्योंकि उसको साइलेंस करना ही है। विदाउट साइलेंस नथिंग इज हैपनिंग। चलो वर्ल्ड बॉस लेजेंड की ओर चलते हैं, और वर्ल्ड बॉस लेजेंड है ह्यूमन फीमेल डे। और ह्यूमन फीमेल डे में आपको पता ही है कौन सा बेस्ट ह्यूमन फीमेल डे है, और वो है ये छोकरी ये वाली। ठीक है सपोर्ट यार इसको अच्छे नहीं दे रहा यार, और पावरफुल सपोर्ट दो यार इसे, इससे पावरफुल सपोर्ट ही नहीं ये भी तो सपोर्ट है पावरफुल। चलो यार ये इस पावरफुल सपोर्ट दे दो कोई टेंशन नहीं। ठीक है तो साइलेंस डे है, उम्मीद है हमने एक अच्छा सा टीयर 4 रख रखा होगा साइलेंस के लिए हमारी लूना स्नो के पास में। पर एज यूजुअली 5 मिलियन करती है ना, 5 मिलियन ही मेरा टॉप स्कोर है, 5 मिलियन ही करती है नए स्कोर को जितना करते हैं। ठीक आ जाओ भाई आ गए। ठीक ये टीयर 3 आपकी ऑडियंस लाइट आ गया। टीयर 3 अच्छा अपन को इससे ही करना है हमारे से कौन है ये है निक फ्यूरी। तो निक फ्यूरी ओके फास्ट ये भी ना बात ये ऑडियंस मैट फिर से आ रहा है, रेडी रहना कहाँ पर ऑडियंस मैट रेडी। ये हमने इसको चलाया, ये चलाया, ये ठीक है ये इसको चलाया, और सेकेंड स्किल के बाद टीयर 3 फिर से फर्स्ट स्किल से हम चले जाएंगे इसके, फिर से सेकेंड स्किल से हम इसको डैमेज करेंगे, फोर्थ स्किल से डैमेज करेंगे, टीयर 3 निक पूरी चलाएंगे। ऑडियंस स्माइट आ गया है कहाँ पर है, रेडी रहो टीयर 3 को रेडी रखो। एंड ऑडियंस स्माइट लिया, ये चलाया टीयर 3 स्किल चलाया, फोर्थ स्किल भी चलाई है, ये भी चलाई। ठीक है हाँ निक पूरी आ गया, गुड ये लो ये भी लो, एक और टीयर 3 आ जाए मजा आ जाए। टीयर 3 आ गया गुड 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 गुड, अच्छे खासे स्कोर हमने किए मजा आ गया। ऑडियंस स्माइट मिल भी गया हमें, पता नहीं मैंने कुछ मारा था क्या नहीं कर रहे थे। ओके ये तलवार को रिपस्तवा लेकर आएगा, ले आया। ओके ये सेकंड स्किल क्या जल्दी सेकंड ऑडियंस स्माइट आ जाएगा फटाफट से, निकपुरी को रेडी करो सॉरी गाइस डे 5 की जो लेजेंड वीडियो थी वो बीच में ही बंद हो गई, लेजेंड के जो वो थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये स्कोर किया है ठीक है ना, 5 मिलियन में आसपास कर लेता हूँ, पर क्योंकि वो एकदम से वीडियो रुक गई थी तो उसके चक्कर में मैं कंफ्यूज हो गया, मैं उस पर ध्यान देने लग गया। फिर बाद में सोचा कि चलो पहले अपना अलायंस बैटल लेजेंड पूरा खेल लूँ फिर उस पर ध्यान दूंगा, और उस चक्कर में थोड़ा सा कम स्कोर हुआ। वैसे 5 मिलियन में जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 मिलियन पर कोई रिवॉर्ड नहीं है, जब रिवॉर्ड नहीं था तो मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं ली, और आपको बता देता हूँ कितना स्कोर हुआ। ठीक है तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ वही मैंने उससे किया था लूना स्नो से, आगे तो वीडियो आपने देखी रखी है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, थैंक यू बाय।